मदरसे में वो तालीम हासिल कर अपना जीवन संवारना चाहती थी, लेकिन हवस के भूखे शख्स ने मदरसे के भीतर ऐसी गंदी हरकत की है जिसे इंसानियत शर्मसार हो गई। हैवानियत का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां हाफिज ने मदरसे में तालीम लेने आई एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर पट्टी का है, जहां नूर जहां मदरसे में एक 9 साल मासूम बच्ची तालीम लेने गई थी। वहीं हैवान बना हाफिज इरफान हैवानियत के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही मासूम मदरसे में पहुंची तो हाफिज ने झाड़ू के बहाने कमरे में बुलाकर मासूम की असमत को तार तार कर दिया। हाफिज से हैवान बने इरफान ने मासूम को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो लहूलुहान न हो गई। घटना के बाद गंभीर तरह से जख्मी मासूम किसी तरह अपने घर पहुंची और आपबीती अपने परिजनों को बताई। इस पर पीड़ित परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी हाफिज के विरुद्ध लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की। मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ पे? बस इंदुस्तानी रोड पे गड्ढों में। क्या करती है आपकी बहन? कितनी उम्र है? लगभग 9 साल। और कैसे हुआ, कहाँ, कैसे, किसने किया है? मस्जिद के हाफिज जी ने। क्या है? उसे झाड़ू के बहाने से अंदर बुलाई और उसके साथ जबरदस्ती करी हुजरे में। और अब थाने आए हो आप जी? अब आप क्या चाहते हो उसके खिलाफ? उसके इंसाफ चाहेंगे हमें, इंसाफ चाहिए हमें, फांसी होनी चाहो सर। वहीं पुलिस ने इस मामले में तुरंत शिकायत के आधार पर आरोपी हाफिज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ फुगाना यतेंद्र नागर ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना बुढ़ाना में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसके अंतर्गत परिजनों के द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो बुढ़ाना कस्बा में ही एक मदरसे में पढ़ती थी, मदरसे के रहने वाले हाफिजी के द्वारा उस नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की त्वरित कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो अब मनाई जाएगी। खैर, दुष्कर्म जैसी घटना के बाद जहां पुलिस हैवान हाफिज की तलाश कर रही है, वहीं पीड़ित परिजन अपनी मासूम बच्ची के साथ हुई घटना के बाद से सदमे में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।